हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज एक नया वीडियो, कुछ नया टॉपिक। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपने कोई भी इंस्टाग्राम की पोस्ट आपको पसंद आ जाए उसको सेव कैसे करते हैं अपने गैलरी के अंदर। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज मैं आपको पहले ही ये बोल देता हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है गाइज। तो अब मैं बिना किसी रुकावट इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ। तो आपको अपने फोन में इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में फिर आपको कोई पोस्ट डाउनलोड करनी है, तो आपको कोई पोस्ट देख लेनी है कि पोस्ट कौन से डाउनलोड करनी है अपने फोन में। आपके मन पसंदा कोई भी पोस्ट हो सकती है, जैसे कि मैं ये एक विराट कोहली की पोस्ट है, इसको आप ही के लिए डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको ये एक शेयर बटन का निशान दिखाई दे रहा होगा, वो तीन निशान है, एक तो लाइक है, एक कमेंट है, एक शेयर है। तो आपको शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा एड टू स्टोरी। तो आपको एड टू स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये देख सकते हो अपनी फोटो स्टोरी के अंदर आ चुकी है। तो इसके अंदर आ चुकी है, तो अब क्या करना होगा, अब इसको गैलरी के अंदर कैसे सेव करना होगा ये अब आपको मैं आगे बताता हूँ। पहले बोला था कि इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो अपने हिसाब से इस फोटो को एडजस्ट कर लेना, इसकी क्या साइज रखनी है। तो ये देख सकते हो इसकी फुल साइज ये है, इसकी ये साइज है। तो अब इसको अपन सेव करते, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कैसे क्या फोटो चाहिए। तो अब ये काम तो अब हमने कर दिया, तो अब आगे क्या करना है ये आगे मैं बताता हूँ आपको। तो ये आप ऊपर बहुत सारे निशान देख रहे हो, बहुत सारे निशान है, तो आपको लास्ट में थ्री डॉट का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे देंगे, तीन ऑप्शन। तो आपको ये बीच वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव, तो आपको इस सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और ये देख सकते हो सेव फोटो हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि अपनी गैलरी के अंदर आई है या नहीं आई है। तो मैं अपनी गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, आप भी मेरे साथ अपनी फोन की गैलरी को ओपन कर लेना। तो ये रही है गैलरी, अब इस गैलरी के अंदर देखते हैं कि वो फोटो आई है या नहीं आई है। तो अब देखते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे इंस्टाग्राम वाला अलग ही फोल्डर बना हुआ है। मैंने बहुत सारी दूजी भी फोटो डाउनलोड की हुई है, तो ये फोटो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट टाइम में अभी डाउनलोड की है, ठीक है गाइस। ये फोटो अभी मैंने आपके सामने ये फोटो डाउनलोड की है। ऐसे आप भी अपनी मन पसंदा फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। अगर रील को डाउनलोड करना सीखना है ना, तो इस वीडियो को कमेंट कर देना इस वीडियो पे यस, तो मैं वो अगला वीडियो वो बना दूंगा, ठीक है। अगर रील को डाउनलोड करना सीखना है तो आई होप मुझे ये पता है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा कि इंस्टाग्राम से पोस्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। स्टोरी डाउनलोड करनी है तो आप यस, स्टोरी या पोस्ट डाउनलोड करनी है तो आपको यस लिखना होगा कमेंट के अंदर। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर ना तो चैनल को अभी के अभी तुरंत कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।